दोस्तों, हमारा जो जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी में एक मोबाइल फ़ोन नंबर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी हमारा जो जीमेल आईडी है वो खो जाता है, या फिर हम लोग का जो जीमेल आईडी हमारा लॉगिन किया, जिस मोबाइल पर लॉगिन किया हुआ था, वो कहीं पर खो जाता है। हम हमारा जीमेल आईडी को रिकवर करना चाहते हैं, लेकिन उस जीमेल आईडी को रिकवर करने के लिए मोबाइल फ़ोन नंबर का होना ज़रूरी है। मान लीजिए आपका एक नंबर जुड़ा हुआ है, लेकिन आप लोग जो है वो नंबर भी खो चुका है, रिकवर नहीं कर सकते। आप लोग का जो जीमेल आईडी है वहाँ पर एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन नंबर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक जीमेल आईडी पर दो तीन आप लोग का जो फ़ोन नंबर है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए पहले तो आप लोगों को जो जीमेल का एप्लीकेशन है मोबाइल फ़ोन पे, वो आप लोगों को ढूंढ लेना है। तो मेरा यहाँ पर है, तो ये रहा जीमेल का एप्लीकेशन, ये वाला एप्लीकेशन आप लोगों को ढूंढ लेना है और यहाँ पर सिंपली क्लिक करके चले जाना है। ऐसे यहाँ पर जाने के बाद आप लोग का जीमेल आईडी यहाँ पर लॉगिन मिलेगा, अगर नहीं है तो लॉगिन कर लेना। तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर एक राइट कॉर्नर पे एक प्रोफाइल का आइकन दिखने में आएगा, तो वहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद ऐसे आप लोग का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप लोगों नीचे देखिए मैनेज यूअर गूगल अकाउंट, गूगल अकाउंट करके एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग के सामने एक ऑप्शन देखने में आ रहा है, ये वाला पर्सनल इन्फो करके, ये वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद नीचे आप लोग स्क्रॉल करके आ सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक ही मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड है। तो मेरा अभी एक ही नंबर यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर एक ही नंबर ऐड है। तो यहाँ पर आप लोग अगर दूसरा नंबर ऐड करना चाहते हैं, दो नंबर ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर ही आकर आप लोग एकदम नीचे स्क्रॉल करके आना है आप लोग। ऐसे नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद आप लोग के सामने ये वाला सेक्शन दिखने में आएगा, ये वाला सेक्शन मिलेगा। नीचे आप लोग देख सकते हैं ये वाला गो टू अबाउट मी ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद ही आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस निकल कर आएगा। तो नीचे स्क्रॉल करके आके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप लोग ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं और एड्रेस या फिर आप लोग यूज़र नेम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फ़ोन नंबर पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप लोग फ़ोन नंबर है, यहाँ पर फ़ोन नंबर पर आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और आप लोग यहाँ पर आप लोग के मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कीजिए और यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा, ये वाला सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरा तो एक दूसरा नंबर नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता, लेकिन ये एकदम 100% यूज़फुल है, आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फ़ोन नंबर आप लोग यहाँ पर टाइप करके, तो यहाँ पर आप लोग सेव का ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करके मोबाइल नंबर जो है वो आप लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग दो तीन मोबाइल नंबर ऐसे ही आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से थोड़ा आप लोग मदद मिलेगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी ऐसे आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।